नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ये घोषित की गई है। मैं बता दूँ, ICMR ने टोटल 8 पोस्ट घोषित की है, जो कि है कोई मैं उनके नाम बताऊँ, आप यहाँ पे जब नीचे आओगे तो टोटल 8 पोस्ट जो घोषणा की गई है उसके नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। तो जो पहला पोस्ट है वो है कंसल्टेंट, सेकंड है जूनियर कंसल्टेंट, थर्ड है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, फोर्थ है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, फिफ्थ है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर MSW, सिक्स्थ है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिक्स, सेवन्थ है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी मेडिकल, एंड जो लास्ट है वो है जूनियर कंसल्टेंट। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू मेंशन की गई है, तो बहुत साफ है कि ये जो एप्लीकेशन मोड है ये ऑफलाइन होने जा रही है। और क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको सेम एड्रेस पे जहाँ पे आपके इंटरव्यू का प्लेस दिया गया है वहाँ पे ही आपके एप्लीकेशन भी फिलअप होंगे और आपको इंटरव्यू के लिए उस दिन रेडी रहना है। गाइस, आप जब यहाँ नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अटैचमेंट्स के फॉर्म में 2 अटैचमेंट्स दिए गए हैं, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस, जब आप यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर आना चाहिए कि हाँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सरकारी जॉब या फिर किसी भी आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो कंपनी होती है या फिर कॉलेज होता है वो खुद अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में करके ड्राफ्ट करती है। तो गाइज, अगर आपको ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है या फिर आपको ऐसे जॉब वैकेंसीज में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder को डायरेक्टली आप यहां से हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने जा रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, आप जब यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म, ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ICMR के द्वारा यहाँ पे ये स्टैम्प्स यहाँ पे और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये डेट कब से इशू की गई है और बाकी सारी चीज़ें। गाइज, मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 3 फरवरी 2022 और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी 2022। तो गाइस, सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम मिला है और जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इन 2 दिन में वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली दे सकते हैं और साथ में रिटन टेस्ट भी है इसमें। मैं आपको बता दूँ, इसमें वॉक इन के साथ वहाँ पर रिटन टेस्ट भी है। तो गाइस, जब आप यहाँ पर नीचे आते हो तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो डेट ऑफ इंटरव्यू है और जो डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस है और लास्ट डेट है वो दोनों सेम डेट है। मतलब आपके पास 3 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 को आप सेम प्लेस पे जाओगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए एंड सेम टाइम पे आपके एप्लीकेशन भी फिल होंगे और इन 2 दिनों में जो कैंडिडेट की चयन है वो कर दी जाएगी। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंसल्टेंट की जो पोस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू ICMR NI ये सब मेरे बताए गए जो मैंने पहले आपको बताए थे वो सेम चीज़ें यहाँ मैंशनड है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है और जो टोटल वैकेंसी है वो सिर्फ 1 है, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में जो कंसल्टेंट की पोस्ट है वो सिर्फ 1 पोस्ट खाली हुई है। और साथ में हम देख सकते हो यहाँ पे एज लिमिट 70 साल तक की है। और जो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूटी, आप अगर आप इसमें आते हो तो इसमें क्या क्या आपको ड्यूटीज़ असाइन की जाएगी और ये यहाँ पे ड्यूरेशन भी मेंशन है कि ये सिर्फ 12 महीनों के लिए ये है। साथ में आप यहाँ पे आप रिमर्शन भी देख सकते हो और आपको कुछ भी और इम्पॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन इसमें से देखना है तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल्स में आप देख सकते हो। गाइस, जब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे हर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी एज लिमिट फिक्स कर दी गई है, आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी होगी वो भी मेंशन है। तो मैं आपको बता दूँ, टोटल 8 पोस्ट रिलीज हुए हैं और टोटल 8 पोस्ट में सिर्फ 8 वैकेंसीज हैं, मतलब हर एक सेक्शन में सिर्फ एक एक वैकेंसी निकाली गई है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 70 साल तक की है, जो सबसे हाईएस्ट जिसमें 70 साल है वो है आपका जो मैंने आपको सबसे पहले अभी बताया था ICMR के द्वारा जो कंसल्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपके 70 साल तक की
एज लिमिट है। तो गाइस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और आप अगर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और साथ में गाइस अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी क्वेरीज है या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इस फोरम बटन को जब आप क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आ जाते हो। और जब आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो तो यहाँ पर एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन देखते हो। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन से आप अपनी चीज़ों को हम तक पहुँचा सकते हो, अपनी क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हो। और साथ ही आपको मैं बता दूँ कि ये राइट और रिप्लाई के सेक्शन से आप हमारे ये जो फोरम का जो है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। ये राइट और रिप्लाई आपके लिए ही बनाई गई है। तो आपको हमारे फोरम बटन से डायरेक्टली आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। साथ में जो हमारा फोरम प्लेटफॉर्म फोरम है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी ताकि वीडियो देखते हुए भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली हमारे आप कम्युनिटी फोरम तक आ सकते हो। और साथ में गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हम आगे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस के बारे में बताते रहें और जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताते रहें। थैंक यू सो मच।